नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और एक चीज़ आप बता दीजिए कि क्या हमारे योगी जी गलत कह रहे हैं? वो यही तो कहते हैं ना कि इन्हें ठोके ना तो क्या माला पहनाए इन्हें, किन्हें? आप समझ गए ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि घर में योगी का भय है तो घर से बाहर मोदी का खौफ है। अब देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को किस हाल में जीना पड़ रहा है। दुर्गा पूजा है, लेकिन इसके लिए उनको छोटे छोटे जो फंक्शन है उनके लिए इस टेम्प्रेरी सरकार से, यानी कि मोहम्मद यूनुस की परमिशन लेनी पड़ रही है। दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन के लिए मनाही कर दी गई है। ये हाल हो चुका है बांग्लादेश में हिंदुओं का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। तो सभी राष्ट्रवादी और नेशनलिस्ट चैनल के प्रति अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो बात हो रही थी योगी जी की और बात हो रही थी मोदी जी की। तो हमारे देश में योगी और मोदी, इनका कोई मुकाबला नहीं है, बट आई होप कि इनका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। ये बात मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित किया और उसमें कई सारे मैसेज जो हैं वो डीप स्टेट के लिए दिए उन्होंने, क्योंकि भारत डीप स्टेट से कैसे, उसको कैसे हैंडल करना है वो जानता है। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने तो, जो उनकी टेम्प्रेरी सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने निजता की सारी हदें पार कर दी। डीप स्टेट को जाकर के बता दिया कि आपने जो कहा था ना, मैंने वो कर दिया है, शेख हसीना की सरकार मैंने गिरा दी है। अब कितनी घटिया हरकत का परिचय दिया उन्होंने, अब तो कोई पर्देदारी भी नहीं रही है। मैं पर्देदारी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देखिए वीडियो में क्या कह रहे हैं ये। They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. Abhi zara dhyan se dekh lijiye dikha rahe hain. So, तो ये एक युवक को पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं ना, इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इस पर इतने फिदा हो रहे हैं। ये शख्स आपने देखा है ना, इसको ये पकड़ के मिलवा रहे हैं, इसका नाम है महफूज आलम। क्या तारीफ कर रहे हैं, क्या तारीफ के पुल बांधे हैं। मोहम्मद यूनुस ने महफूज आलम के लीडरशिप की तारीफ की और कहा कि वो जो आंदोलन हुआ, वो जो तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे इन्हीं का दिमाग था। पूरी क्रांति, उन्होंने उसको क्रांति का नाम दिया, पूरी जो क्रांति थी उसके पीछे इन्हीं महफूज आलम का दिमाग है। और ये भी बता रहे हैं कि ये तो इनकार कर रहे थे, लेकिन इन्हें पहचाना इसी तरीके से जाता है क्योंकि पूरे इस जो तख्ता पलट था उसके पीछे दिमाग इनका था और ये अचानक नहीं हुआ है, ये भी उन्होंने कहा। और ये भी बताया कि ये पूरी डिज़ाइनिंग जो थी ये इनकी थी। कमाल है, तो ये तो उन्होंने साबित कर दिया ना कि शेख हसीना का तख्ता कैसे पलटा गया डीप स्टेट के कहने पर। अच्छा, एक बात मैं आपको और थोड़ी सी याद दिला दूं। मेरे चैनल पर भी आए थे शोएब भाई, ब्लिट्स के संपादक हैं शोएब चौधरी जी, तो उन्होंने ये बताया था कि ये सारी प्लानिंग जब हो रही थी तो हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी भी उस प्लानिंग में शामिल थे। उन्होंने ये बात एक्चुअली कई सारे चैनल्स पर कही थी और फर्स्ट टाइम उन्होंने इस बात को नेशनल टीवी पे कहा था। अब देखिए इसका जिक्र क्यों किया है, बांग्लादेश में दुर्गा पूजा आने को है और इस समय वहाँ पर, मतलब अब से क्या, जब से तख्ता पलट हुआ है हिंदू तो वहाँ पर अपनी जान बचाते घूम रहे हैं, ये हाल क्या हुआ है। एक बार फिर से वहाँ पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, खुले तौर पे दुर्गा पूजा का त्यौहार
मनाने और किसी भी मूर्ति पूजा या विसर्जन में शामिल होने से मना किया जा रहा है। अरे भाई, उनका त्यौहार है, क्यों ना मनाएं वो। लेकिन जैसे जैसे दुर्गा पूजा नज़दीक आ रही है, कट्टरपंथी इस्लामी समूहों द्वारा इस सेलिब्रेशन को ना करने के लिए धमकियां दी जा रही, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। देश में इस्लामिक धार्मिक समूहों ने हिंदू त्यौहार मनाने पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान भी कर दिया है। और मैंने आपसे योगी जी को क्यों उनका जिक्र किया, क्यों योगी जी को ज़रूरी बताया? देखिए, एक खास वर्ग है इस समय हमारे देश में जो मानव अवशिष्ट को जूस में मिला करके हिंदुओं को पिला रहे हैं। कहने मतलब क्या बताया, जिनकी मानसिकता क्या है, खाने के सामान में ये थूक मिला रहे हैं और पीने के सामान में ये मानव अवशिष्ट को मिला रहे हैं। इट्स नो, मतलब क्या, किस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं? और फिर इनको इनको क्यों संभाल के रखा जाए, सवाल ये भी है ना। एंड इन वन लाइन, योगी इज डूइंग फंटेस्टिक जॉब। अब जरा इन्हें भी देख लेते हैं, क्योंकि इनके पेट में बड़ी दर्द हो रही है। दुर्गा पूजा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, गजब दादागिरी है। देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। तो ये मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये इनका एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये दुर्गा पूजा का विरोध कर रहे हैं। और देखो, फिर वही बात आती है, भाई बटोगे तो कटोगे। तो योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। बांग्लादेश में कई बोर्ड, उन पर स्थानीय भाषा में लिखा हुआ है, सड़कें बंद करके कहीं भी आप पूजा नहीं कर सकते। मूर्ति विसर्जन के लिए भी मनाही कर दी है और कह रहे हैं कि पानी जो है प्रदूषित हो जाएगा, मूर्तियों की पूजा नहीं की जाएगी। अब ये जो मैंने आपको जुलूस छोटा सा दिखाया है क्लिपिंग, ये इनका इनका नाराबाजी यही हो रही थी। और ये भी कह रहे हैं कि सरकारी धन का जो है नुकसान हो रहा है, धार्मिक कामों में सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अरे जो पूजा कर रहे हैं वो तो अपनी जेब से पूजा करेंगे ना, अपने मन की शांति मन की खुशी के लिए कर रहे हैं। और बांग्लादेशी मुसलमानों का ये कहना है कि हिंदुओं की आबादी 2% होने के बावजूद दुर्गा पूजा को राष्ट्रीय अवकाश बना दिया था शेख हसीना की सरकार ने, ये उनको अफसोस हो रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि त्यौहार मुस्लिम बहुसंख्यकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को धार्मिक कारणों से ऐसे त्यौहारों का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस संबंध में जैसे कि मैंने आपको दिखाया, सैकड़ों इस्लामिक समूह के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और हिंदू पर्व के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अब ये कह रहे हैं दुर्गा पूजा होवे ना, मतलब दुर्गा पूजा नहीं होगी। ये हालत हिंदुओं की बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में कई जमीनों पर बने मंदिरों को हटाने के लिए कहा जा रहा है, आह्वान किया जा रहा है। और ये भी उन लोगों की मांग है कि हिंदू नागरिकों के लिए भारत विरोधी बैनर और नारे लगाएं वो। मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं ना जो जिनके पूर्वज भारतीय हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप भारत विरोधी नारे लगाइए, बैनर लगाइए अपने घरों के बाहर, ताकि उनकी बांग्लादेश के प्रति वफादारी जो है वो उनको दिखाई दे। अब ये भी उनके लिए बहुत मुश्किल भरा काम है। और सबसे मतलब नीच हरकत जो है वो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को दुर्गा पूजा मनाने के लिए 5 लाख बांग्लादेशी टका, वहाँ पैसे को टका बोलते हैं, देने के लिए कहा जा रहा है। ये सब किसका किया धरा है? ये सब मोहम्मद यूनिस का किया धरा। जहाँ मोहम्मद लग जाए ना साथ में, समझो वहाँ तो बंटादार होना ही होना है, आई एम सॉरी टू से। ये हर जगह की बात है। आप देखिए हमारे देश में भी कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ बुरा हो रहा है, तो वहाँ उसके नाम के साथ ये ज़रूर लगा होगा। और इन्होंने
संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा लेने जब ये मोहम्मद यूनुस गए थे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने बाकायदा इस बात को बड़े गर्व से कहा कि असली जो मास्टरमाइंड है उसको मैं लेकर के आया हूँ, आप उससे मिलवाता हूँ। और किस तरीके से जब मोहम्मद यूनुस को ये मिलवा रहे हैं, उस समय क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव में ये बोल रहे थे, और इनके साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं बिल क्लिंटन, वो भी साथ में थे। उसी दौरान उन्होंने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले जो आंदोलन के पीछे असली जो दिमाग था उनको दिखाया उन्होंने। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ ताकि आप देखें कि किस तरीके से उनकी तारीफ कर रहे हैं ये। They shook the whole country by their speeches, by their dedication, their commitment. They said, you can kill us anytime you want, but we are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So, देखिए कितना लाड़ आ रहा है, कितना प्यार आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कर डालेंगे उसका, उनको बार बार खींच रहे हैं अपनी तरफ। अब आप देखिए, ये वही इंसान है जिसने एक महिला प्रधानमंत्री के अंडरगार्मेंट्स को हवा में लहराया, इतनी नीचता दिखाई। वो सब मतलब वो सब दृश्य दृष्टांत इतने डरावने थे कि अब उनको याद करके भी अजीब सी फीलिंग होती है। और अब तो यूनुस ने बता ही दिया है कि इस समय वो अमेरिका के हाथों में खेल रहा है। अच्छा, इन्हें मोदी जी क्यों चुभते हैं? मोदी जी अमेरिका की आंख में क्यों चुभते हैं? क्योंकि वो किसी से डरते नहीं हैं। डीप स्टेट्स भी डरता है उनसे। अब देखिएगा, ये जो नारे लगा रहे हैं और ये जो बड़े मंच पे खुश होकर के इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना यूनुस को, तो ये इनके हाथ में वही कटोरा आने वाला है। ये अभी इस शख्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे ना, मैं आपको असलियत बताती हूँ कि ये आने वाले दिनों में आप इनके हाथ में वही कटोरा देखेंगे जो इस समय आप पाकिस्तान के हाथ में देख रहे हैं। क्योंकि ये इनके पास अब खाने के लाले पड़ने वाले हैं। भीख मांगने के लिए अभी से इन्होंने ज़मीन तैयार कर ली है, इसीलिए ना वहाँ जा करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है कि आपने जो कहा था वो हमने कर दिया है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।